मैं राधिका आर्गन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं या जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसे मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो सूजी को हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है क्रश करके डालने से। फिर डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब सभी सूखे मसाले अच्छे से सूजी के अंदर मिल गए हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। बहुत से लोगों का मानना है कि सूजी को अच्छे से गूंथा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूजी भी बहुत ही इजीली से गूंथी जा सकती है। सूजी से बना ये स्नैक्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे कुछ दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और सुबह शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसे खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सूजी को इस तरह से गूंथ कर रेडी करके रख लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें आटा लगाना है और इतना आटा लगाने के लिए मुझे आधे कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट भी हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और ये आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सख्त हो गया है तो इसे हम एक बार मसल लेंगे और अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरह से और गोल कर लेंगे। मैं अभी एक ही तोड़ रही हूँ, आप चाहें तो पूरी लोई बनाकर रख सकते हैं। इस तरह से लोई बना लेंगे। तो हम ये लोई ले लेंगे और बाकी के आटे को ढक करके रख देंगे। अब हम इसे बेलेंगे तो बेलने से पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। आप चाहें तो सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम बेलेंगे, इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। ये सूजी क्रिस्पी चिप्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये रोटी गोल ही बिले, आड़ी टेढ़ी भी बिलेगी तो भी चलेगा, हमें इसे कट करना है। तो मैं इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर रही हूँ। तो पहले हम साइड के इसको निकाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर चाकू से भी कट कर सकते हैं। अब हम इसके आइट साइड के पार्ट को हटा देंगे और इसे वापस से गूंथे हुए आटे में मिला लेंगे और फिर से इसे यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इस तरह से इसे कट करेंगे। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जिस शेप में आपको कट करना हो। और इसे हम उठाकर एक प्लेट में रख लेंगे। आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतना ही ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। जब आप चाय के साथ एक जैसे स्नैक्स खा के बोर हो जाए तो आप इस तरह से इस सूजी क्रिस्पी चिप्स की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हम सभी को बनाकर रख लेंगे। तो मैंने सारे सूजी क्रिस्पी चिप्स बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम इसे उठाकर डाल देंगे। ध्यान रहे तेल को एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं करना है, यदि तेल एकदम ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये डालते से ही फ्राई हो जाएंगे। तो ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रहेंगे। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई होने देंगे। एक बार में जितने कढ़ाई में आ जाएंगे हम उतने डाल देंगे, एक साथ ढेर सारे भी ना डालें। अब इन्हें हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं तो इस तरह से हम झारे से इन्हें पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो। इस तरह से हिलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो, जले नहीं। और गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखिए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। थोड़ी देर के लिए इस तरह से कढ़ाई पे रोक के रखेंगे ताकि जो इसके अंदर का एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। और इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने इन्हें एक कांच के बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चाट मसाले का। इस तरह से हम इसे टॉस कर लेंगे ताकि पूरा चाट मसाला अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी ये सूजी क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे आपको उठाकर तोड़ के बताती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए वाव। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।